डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वन। तो देखिए स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेरी था और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि सर अभी जो 20-22 सेशन का स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं सर, वो लोग कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा जो एग्ज़ाम है WBUTTP का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ, कब होगा और क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, कैसे होगा, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। बहुत दिन से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं इस विषय में, और देखिए आप लोग को कॉलेज से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता होगा, इसीलिए आप लोग कमेंट कर रहे हैं। तो देखिए आज आपको इस वीडियो में हम वही से बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम कब होगा, आपका बीएड सेमेस्टर थर्ड का एग्ज़ाम कब होगा WBUTTP के अंडर से अगर आप बीएड कर रहे हैं तो। और देखिए आपको बता दें कि बर्धमान यूनिवर्सिटी का जो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम था 20-22 सेशन का, उन लोग का एग्ज़ाम भी हो चुका है और एग्ज़ाम होके उन लोग का भी माइक्रो टीचिंग भी हो रहा है, लेकिन आपका अभी तक न एग्ज़ाम हुआ है न माइक्रो टीचिंग हो रहा है। तो देखिए आप लोग का एग्ज़ाम कब होगा और कैसे होगा, ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। आपको बता दें कि बर्धमान यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम हुआ था सेमेस्टर थर्ड का, उन लोग का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ था। तो आई होप कि आपका भी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो, क्योंकि आपका भी लॉकडाउन के टाइम से ही जितने भी स्टूडेंट का क्लास नहीं हुआ है, सारा स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन कंडक्ट कराया जा रहा है। और अभी जो आपका 21-23 सेशन के स्टूडेंट है जिनका फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो चुका है, उन लोग का देखिए अभी जो है उन लोग का अब सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कैसे होगा, उसके विषय में भी हम आपका नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा, उसमें भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग का मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग अगर नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, बीएड रिलेटेड अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगेगा तो लास्ट में वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगेगा वो आप कमेंट करके हमें बताइएगा। तो चलिए आज का इस टॉपिक का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ सबसे पहले आप देख पा रहे हैं, ये देखिए द वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इनका ऑफिशियल साइट पे अभी हम आपको लेके आए हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि क्या आपका कोई नोटिस है अभी बीएड सेमेस्टर थर्ड को लेके, जितना भी स्टूडेंट है 20-22 सेशन के। तो देखिए 22 अभी आपका चौथा महीना चल रहा है और लेकिन अभी तक आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और आपका जो है इसी साल 22 में ही आपका बीएड कंप्लीट कराने का है, यानी कि यूनिवर्सिटी को आपका इस साल ही बीएड को कंप्लीट करना पड़ेगा आपका 21-22 सेशन वाले स्टूडेंट का, ये 22 में ही कंप्लीट करना होगा। तो देखिए अभी तक आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा और रिजल्ट कब तक आएगा, इसमें भी बहुत टाइम लगता है। तो कब तक आपका होगा ये सारा चीज़ आपको बताएंगे अभी हम। तो देख लेते हैं अभी क्या नोटिस कुछ है क्या आपका इस रिलेटेड, कि आपका एग्ज़ाम कब होगा क्या नहीं होगा। तो चलिए पहले अभी हम नोटिस सेक्शन में चलेंगे यहाँ से स्क्रॉल करते हुए। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले करंट नोटिस सेक्शन आपको यहाँ पे दिख रहा, तो देखिए करंट नोटिस में अभी कुछ नोटिस है आपको बीएड को लेके। तो बीएड को लेके देखिए यहाँ पे कोई नोटिस अभी आपको नहीं दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे नोटिस फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ PGDEPA फॉर द सेशन आपका 21-23, ये PGDA का जो रजिस्ट्रेशन है उसको लेके नोटिस है। और यहाँ पे देखिए क्लिक है टू रिन्यूअल ऑफ एफिलिएशन फॉर बीएड कॉलेज 20-23, यानी कि यहाँ एफिलेट करने के लिए लिंक दिया गया है, कॉलेज को ही इन्फॉर्म किया गया आप अपना एफिलेशन को कंप्लीट कर लीजिए, यूनिवर्सिटी ये इन्फॉर्म कर रहा। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है अभी कोई करेंट नोटिस नहीं है आपका बीएड का थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम को लेके। तो आपका एग्ज़ाम जो है कब होगा और कैसे होगा हम आपको बताते हैं, क्योंकि हम आपके लिए कुछ जानकारी इकट्ठा किए हैं, कॉलेज से पता किए हैं, दो चार कॉलेज से बात करके पता किए हैं कि आपका एग्ज़ाम कैसे होगा और कब से होगा। और ये जो है अभी आपको इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ये कॉलेज के अनुसार ही दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी के तरफ से अभी कोई आपका न्यूज़ नहीं आया है। तो जैसे कोई कॉलेज से भी आपका यूनिवर्सिटी से भी कोई न्यूज़ मिलेगा हमको तो आपको बताने का कोशिश करेंगे हम सबसे पहले। तो देखिए अभी जो आपका ये
आपका एग्ज़ाम को लेके कॉलेज के द्वारा जो कहा गया वो आपको बता दें कि यहाँ पे कॉलेज का कहना है कि देखिए हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जब एनसीटी आपका कुछ गाइडलाइंस निकालेगा तो ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो आप लोग अभी मान के चलिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन हो सकता है, क्योंकि जितना भी और भी यूनिवर्सिटी है सबका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन हुआ है और आपका जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होने के होगा, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है अगले मंथ होगा, यानी कि अभी चल रहा है आपका अप्रैल, तो अप्रैल के बाद आपका होता है मई, तो मई महीने में आपका एग्ज़ाम होगा, तो मई महीना में ही आपका एग्ज़ाम होगा। और देखिए मई महीना में आपका हो सकता फर्स्ट वीक में ही आपका फॉर्म फिलअप का डेट आ जाए, या फिर आपका जो है सेकंड वीक में आ जाए, लेकिन आपका मई में ही आपका एग्ज़ाम होगा। तो एग्ज़ाम आपका फॉर्म फिलअप होने का उम्मीद है देखिए फर्स्ट वीक में, तो दो चार कॉलेज से हमें यही पता चला है जहाँ से भी बात किए हैं। और अभी देखिए यह यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, और कॉलेज के द्वारा कहना है कि आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो अभी आप लोग मान के चलिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, आपको कॉलेज जाके एग्ज़ाम नहीं देना होगा। जैसे आप सेमेस्टर वन सेमेस्टर टू का एग्ज़ाम दिए हैं उसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम होगा सेमेस्टर थर्ड में भी, तो उसी प्रकार से आपको सब कुछ करना है जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में किए थे। आंसर स्क्रिप्ट आपको कॉलेज में भेजना है, किसी कॉलेज में देखिए आंसर स्क्रिप्ट को वहाँ पे हार्ड कॉपी भी मांगा जाता है, तो आप हार्ड कॉपी को भी अच्छा से रखिएगा, क्योंकि हार्ड कॉपी जब भी मांगा जाएगा तो आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसीलिए आंसर स्क्रिप्ट आपको लिखना है, फिर मेल करना है, या फिर उसका आपको व्हाट्सअप करना है, जो भी है उसको आपको पहले सॉफ्ट कॉपी स्कैन करके पीडीएफ बना के भेजना है, फिर आपका इसका हार्ड कॉपी भी मांगा जाएगा, तो हार्ड कॉपी भी आपको देना पड़ेगा। तो कॉलेज के द्वारा यही कहना था, और यूनिवर्सिटी के तरफ से देखिए अभी कोई नोटिस नहीं है इस रिलेटेड, तो जैसे यूनिवर्सिटी से कुछ नोटिस आ जाता है, कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाता है, तो आपको बताने का कोशिश करेंगे हम सबसे पहले। इसीलिए आप हमारे चैनल पे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए अगर अभी तक आप अपना थर्ड सेमेस्टर का प्रैक्टिकम असाइनमेंट कम्प्लीट नहीं किए हैं तब हमारे चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर फोर्थ सेमेस्टर तक का, वहाँ पे आपको जिस भी सेमेस्टर का प्रैक्टिकम असाइनमेंट चाहिए, लेसन प्लान चाहिए, आप वहाँ से जाकर देख के बना सकते हैं। पूरा सॉल्व किया हुआ सारा वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया गया, तो आप वहाँ से जाकर देख के लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड अभी का इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे, इन्फॉर्मेशन आपका इतना ही देना था हमको। तो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए अभी जो जानकारी हमको मिला था यही आपको बताएं, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही कि गलत भी कमेंट करते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी जिनको इन्फॉर्मेशन हम सही देते हैं तो उनको अच्छा लगता है, तो वो लोग अच्छा भी कमेंट करते हैं। पर छोड़िए, आप लोग का अपना अपना बात है, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो अच्छा, बुरा लगे तो बुरा, आपको जैसे ठीक लगे आप कमेंट कीजिए। और यहाँ पे देखिए अभी जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दिए ये जो है आपका जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है आपका। देखिएगा अगले मंथ का फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, और आपका एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन होने वाला है अभी तक जो पता चला है। हो सकता है देखिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी सब कुछ रीओपन हो चुका है और लॉकडाउन ख़त्म हो चुका है, तो हो सकता है कि आपको अभी मतलब 100 में आप मानिए 20% अभी आपका जो है ऑफलाइन होने का चांस है, लेकिन ऑनलाइन ही होने का 80% चांस है। तो चलिए फ्रेंड इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे वीडियो को, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे इस तरह से और भी नया टॉपिक पे वीडियो लाके। तो आज के लिए इतना ही।